दोस्तों आज बात करेंगे कोलकाता शहर की। एक समय पर इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल और सिटी ऑफ द जॉय के नाम से मशहूर ये शहर आज विकास के मामले में कहीं गुम सा गया है। तो दोस्तों आज के कोलकाता को समझने से पहले हमें कल के कलकत्ता को समझना होगा। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम, तो चलिए शुरुआत से शुरुआत करते हैं। कोलकाता के स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से इंडिया के फर्स्ट गवर्नर वॉरन हेस्टिंग्स ने मोसीजाबाद से सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेस को कोलकाता में शिफ्ट कर दिया और उसे भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बना दिया गया। कोलकाता में 1835 में एशियन फर्स्ट यूरोपियन मेडिकल कॉलेज खुला, बंगाल मेडिकल कॉलेज खुला और 1857 में साउथ एशिया की फर्स्ट मल्टी डिस्पेंसरी मॉडर्न यूनिवर्सिटी भी कोलकाता में ही खुली। कोलकाता में बढ़ते ब्रिटिश इन्फ्लुएंस और वहां के बंगाली कल्चर का इंटरमिक्स में आपको एक नए बाबू क्लास अर्बन इंडियंस का मर्जन देखने को मिला, जिसे आप साउथ की मूवी में साम सिंगा रॉन्ग में देख सकते हो हीरो के रूप में। और वहीं 1850 आते आते कोलकाता के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ तेजी से हुआ, जिसकी वजह से ये शहर ब्रिटिश एम्पायर का एक नर्वस सेंटर के रूप में बनके उभरा। इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस, इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक लाइट, इंडिया का पहला हाई कोर्ट वहाँ पे सेटअप किया गया और वहीं पर हावड़ा रेलवे स्टेशन को भी बना गया। और उसी समय यूएस की पहली मर्चेंट शिप भी कोलकाता में आई और 1806 में पहला स्टॉक एक्सचेंज बैंक को भी वहीं स्टैब्लिश किया गया, जबकि बॉम्बे में 1840 में स्टॉक एक्सचेंज बैंक को स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस समय के दुबई कहलाने वाले इस कोलकाता को 1985 में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने डाइंग सिटी कह दिया था पार्लियामेंट में। तो आज हम लोग बात करेंगे कोलकाता के डाउनफॉल के बारे में और बॉम्बे के राइज के बारे में। 20th सेंचुरी में कोलकाता को पहला झटका तब लगता है जब 12 दिसंबर 1911 में जॉर्ज द फिफ्थ ने दिल्ली में हुई एक सभा दिल्ली दरबार में कोलकाता के बजाय दिल्ली को देश की राजधानी बनाने की घोषणा कर दी। इसके पीछे की वजह यह थी कि जब अंग्रेज हमारे देश आए थे तो वे एक अलग मकसद से आए थे, लेकिन जब उन्होंने हमारे पूरे देश में कब्जा कर लिया उसके बाद भारत की राजधानी जियोग्राफिकली और लॉजिकली भारत के ईस्टर्न एंड पे होना पॉसिबल नहीं थी। पर इस बात को अंग्रेजों ने ध्यान में रखा और क्योंकि उस समय आजादी की आवाजें भी उठने लगी थी, जिसकी वजह से भारत का एपिसेंटर जो दिल्ली है जहां से भारत के हर जगह पे कंट्रोल किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट करके कोलकाता से दिल्ली कर दी और ये कोलकाता को पहला झटका लगता है। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि धीरे धीरे कोलकाता अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी खोने वाला था। कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हुआ भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, जिसकी वजह से कोलकाता के अंदर पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी आने लगी। और वहीं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मिडल ईस्ट, अफ्रीका और स्विस कनाल के थ्रू यूरोप के साथ ब्रिटेन को सी रूट से जोड़ने में बॉम्बे पोर्ट ने की रोल प्ले किया। और उसके बाद ब्रिटिश अंपायर के नजरिए से जियोग्राफिकली बॉम्बे पोर्ट वॉर जैसे सिचुएशन के लिए काफी सुटेबल था एज कम्पेयर टू कोलकाता पोर्ट, क्योंकि कोलकाता पोर्ट 80 मील अंदर था जो सी से कनेक्टेड था हुगली रिवर के थ्रू, जिसकी वजह से मॉडर्न कार्गो शिप्स कोलकाता पोर्ट तक नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि बॉम्बे पोर्ट डायरेक्टली कनेक्टेड था सी से एज कम्पेयर टू कोलकाता पोर्ट के। और वहीं 19th सेंचुरी में बॉम्बे की ग्रोथ में रेलवे का भी हाथ था, जहां पंजाब से लेकर बॉम्बे तक एक लाइन बिछ गई जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट इजी हो गया, जिससे डेवलपमेंट बॉम्बे के अंदर तेजी से होने लगा। और कुछ ही समय में बॉम्बे पोर्ट ने कराची पोर्ट को पीछे छोड़ दिया, जिसकी वजह से अंग्रेजों की पहली चॉइस बॉम्बे पोर्ट बनने लगी। और धीरे धीरे कर कोलकाता से सारी चीजें बाहर जाने लगी, जैसे कि 1937 में भारत का रिजर्व बैंक का सेंटर जो कोलकाता में था वो वहां से माइग्रेट करके बॉम्बे शिफ्ट हो गया। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि कोलकाता में जितने भी बिजनेस सेटअप किए गए थे बड़ी बड़ी कंपनीज, वो सब ब्रिटिशर्स की नीड को देख के किया गया था, और एज कम्पेयर टू बॉम्बे में जहाँ पर इंडिविजुअली इंडियंस की नीड को देखकर कंपनी सेटअप की गई थी, जिससे एक बात तो साफ हो गई थी कि जब भी अंग्रेज इंडिया से जाएंगे तो बॉम्बे का डोमिनेंस तो बढ़ने वाला ही था, जो कहीं ना कहीं आजादी के बाद बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली थी कोलकाता के डाउनफॉल में और बॉम्बे के राइज में। लेकिन कोलकाता को सबसे बड़ा झटका वर्ल्ड वॉर सेकंड में लगता है, जब 1942 में जापानीज फोर्स बर्मा के बाद कोलकाता को अपना निशाना बनाती है, जिससे कोलकाता सिटी और कोलकाता पोर्ट को काफी नुकसान होता है। और इसी दौरान कोलकाता को 1943 में द ग्रेट बंगाल फैमिनी से भी गुजरना पड़ता है, जहां पर ब्रिटिश फोर्स ने अपनी आर्मी का पेट भरने के लिए पूरे बंगाल को भूखमरी में झोंक दिया था, जिसके अंदर 25 से 40 लाख लोग की मौत हो जाती है। जहां पूरा देश आजादी का उत्सव मना रहा था, वहीं पंजाब और बंगाल के बॉर्डर्स पर रिफ्यूजीज का आना जाना, मास किलिंग बहुत तेजी से हो रहा था। और वहीं पंजाब में जहां पर रिफ्यूजीज का आना जाना सेम था, लेकिन बंगाल में ये वन साइडेड रहा, जिसमें लगभग 4 मिलियन रिफ्यूजीज कोलकाता की तरफ बढ़ने लगे, जिसकी वजह से कोलकाता के अंदर स्लम्स और झुग्गी झोपड़ियां बढ़ना शुरू हो गई। और पार्टीशन में बंगाल की इंडस्ट्रीज को भी बहुत बड़ा झटका लगता है, वो अपना ह्यूमन रिसोर्स और मेन फोर्स को भी खो चुका होता है। जिस जूट इंडस्ट्री ने कोलकाता और बंगाल के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखी थी, वो इस क्राइसिस में सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई, क्योंकि 75 जूट्स ग्रोइंग एरिया पाकिस्तान में चली गई थी और 106 मिल्स, पैकेजिंग एरिया और एक्सपोर्ट्स सब इंडिया में रह गया था, जिसकी वजह से अगर जूट ग्रो ही नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज का फायदा ही क्या, वो धीरे धीरे बंद होने लगी।
जिसकी वजह से लोगों के मन में असंतोष जागने लगा और लोग विरोध करने लगे और कोलकाता की जो अनस्टेबल पॉलिटिक्स थी जिसने इसके अंदर रोल प्ले किया कोलकाता के डाउनफॉल में, और छोटे छोटे गुटों में लोगों ने स्ट्राइक शुरू कर दी जिसकी वजह से कोलकाता की इमेज खराब होने लगी। कोलकाता की इंडस्ट्रीज के अंदर स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, फ्रिक्वेंट पावर कट बढ़ने लगा जिसकी वजह से वहां की कंपनीज को मजबूर होकर कोलकाता से माइग्रेट करना पड़ा। आंकड़ों के हिसाब से 1965 में अकेले कोलकाता में 169 स्ट्राइक्स हुए थे और 49 कंपनियों में ताला लगा था, और 5 ही सालों में बढ़कर 1970 में 678 स्ट्राइक्स और 128 कंपनियों में ताला लग गया। और कोलकाता में ये स्ट्राइक्स दंगे में कन्वर्ट हो गया जहां पर लोगों ने पूंजीवादी लोगों को टारगेट करना शुरू किया जिनके अंदर बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, टीचर जैसे लोग थे, और ये वही दौर था जहां कोलकाता की जो आखिरी सांस थी वो भी छूटने वाली थी जिसकी वजह से पूंजीवादियों का कोलकाता में रहना सेफ नहीं था। क्योंकि एक न्यूज थी जहां पर आदित्य बिरला को उनकी कार से निकालकर मारा पीटा गया और उन्हें नैकेड करके रोड पर चलाया गया था, और इन दंगों को कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया, और इस घटना ने कोलकाता की जो आखिरी सांस थी उसे भी खत्म कर दी जिसकी वजह से बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज वहां से शिफ्ट होकर बॉम्बे, गुजरात की ओर जाने लगे, और कोलकाता जो एक समय पे चमकती हुई सिटी थी वो अंधकार में आज खोने लगी थी। और यही सब वजह थी जिसकी वजह से बॉम्बे बहुत तेजी से राइज हुआ और कोलकाता का बहुत तेजी से डाउनफॉल हुआ। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और बिजनेसमैन ने अपनी अपनी कंपनियों को बॉम्बे के अंदर सेटअप किया, बॉम्बे की ग्रोथ बहुत तेजी से हुई। जानकार मानते हैं कि बंगाल के डाउनफॉल में सबसे ज्यादा रोल प्ले किया था, वहां पे 3 दशक से जो पार्टी राज कर रही थी मार्क्सिस्ट पार्टी ने बंगाल के डाउनफॉल में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो दोस्तों यही सब वजह थी जिसकी वजह से कोलकाता का डाउनफॉल हुआ और बॉम्बे राइज हुआ।